नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। नौगवा में 10 मार्च 2021 को मध्यरात्रि के समय मुखबिर से सूचना मिली कि मुबारकपुर के ठोकदार बास केडिगावड़ा के जंगलों से 3 गौ तस्कर 2 गायों को जंगल के रास्ते से होकर हरियाणा की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद लगभग 2:30 पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देखते ही मौके से भागने लगे। पुलिस जाब्ते के द्वारा घेराबंदी कर 3 गौ तस्करों को पकड़ लिया गया, जिनसे 2 गाय बरामद की गई। तीनों मुलजिमों से पूछताछ करने पर पता चला कि गोकसी के लिए ले जाना स्वीकार किया। पकड़ी गई गायों को पिकअप की सहायता से शिवानंद गौशाला पड़ावदा भिजवा दिया गया तथा गौ तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े गए गौ तस्करों में 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम हासिम पुत्र यूसुफ, जाति में उम्र 27 वर्ष निवासी नंगलीवाल, शेरू उर्फ गुंगा पुत्र इलियास, जाति मेओ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी थोक दारबा, आकिल पुत्र यूसुफ, जाति मेओ उम्र करीब 16 वर्ष निवासी नंगलीवाल बताया गया। कार्यवाही के दौरान ASI विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल इमरान मुरारी तथा प्रताप सिंह मौजूद रहे। आज रात्रि 10 तारीख को रात्रि गश्त के दौरान श्री अनिल सिंह को गैर मुख्य सूचना मिली थी कि 2-3 लड़के पैदल पैदल गायों को लेकर जा रहे हैं गिदावड़ा के जंगलों से ठोकदारबास में। तो इस सूचना पर श्री अनिल सिंह मैं जाप्ता के वहाँ पर पहुँचे तो गाड़ी की लाइट को देखकर 2-3 व्यक्ति जो थे वो देखकर भागने लगे। उनके पास 2 गाय थी जिनको जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ा। गायों को पकड़कर वापस लेकर आए और जिनको गौशाला में भिजवाया गया। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे जिनमें 2 बालिक थे 1 नाबालिग था।